नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अपने विज्ञान को टॉपिक, जो विज्ञान का टॉपिक चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए आगे हम आज पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। तो अपने आज का टॉपिक है कोशिका यानी सेल। कोशिका सेल के अंदर लिखी शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। आगे लिखिए कोशिका की खोज। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हुक ने की थी 1675 ईस्वी। जीवित कोशिका खोज ल्यूवेन हुक ने 1675 ईस्वी में की थी और तालाब के जल में की थी। जीवन की इकाई कोशिका को जीवन की इकाई भी कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन व सवान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन व सवान ने दिया था। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, यह बात विर्त्सों ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। तो ये तो हो गया कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी कि शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की और जीवित कोशिका खोज है वो ल्यूवेन हुक ने 1675 ईस्वी में की थी। जीवन की इकाई कोशिकाओं कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन व सवान ने दिया। नई कोशिकाओं निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है, यह बात विर्त्सों ने बताई थी। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। एक तो एक कोशिकीय जीव और दूसरे होते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो पहले हम लिखेंगे एक कोशिकीय जीव।
एक कोशिका जीव में आपको लिखना है कि इनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं इनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के लिए अमीबा, यूग्लिना, पिरामिशियम, प्लाज्मोडियम व जीवाणु, इनका शरीर एक कोशिकाओं से बना होता है, इनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो दूसरा आप लिखिए बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव इनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जो बहुकोशिकीय जीव है वो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एक कोशिकीय जीव इनका शरीर केवल एक कोशिकाओं से बना होता है। तो ये हो गया जो कोशिका आधार पर जीव है वो दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव। सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है और इसकी जो साइज है वो 15 सेमी × 13 सेमी होती है और इसका वजन 1.4 किलोग्राम होता है। इसकी आकार है वो 15 × 13 सेमी व वजन 1.4 kg होता है। सबसे छोटी कोशिका की अगर हम बात करें, सबसे छोटी कोशिका तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है और इसका आकार 0.001 मिलीमीटर होता है। इतना इसका आकार होता है। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका होती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। तो ये हो गया कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र व तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं।
कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार, संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें स्पष्ट केंद्र का अभाव होता है, स्पष्ट केंद्र का अभाव, स्पर्श केंद्र का अभाव होता है और झिल्ली युक्त कोशिकाएं का अभाव। प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पर्श केंद्र नहीं पाया जाता है वह झिल्ली युक्त कोशिकाएं भी नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये कोशिकाएं अपने विकास की जो चरम सीमा है, पूर्ण सीमा है, उस तक नहीं पहुंच पाई। ये कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाई, इसलिए इनमें केंद्रक है और जो कोशिकांग है वो भी पूर्ण विकसित नहीं हो पाए, जिस कारण इनमें स्पर्श केंद्र नहीं पाया जाता वह झिल्ली युक्त कोशिकांग भी नहीं पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो युके जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो आर्किया व जीवाणु, आर्किया जीवाणु व नील हरित सेवा, आर्किया जीवाणु व नील हरित सेवाल में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। दूसरी हम बात करें यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है वह झिल्ली युक्त कोशिकाएं पाए जाते हैं, तो इनमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। झिल्ली युक्त कोशिकाएं झिल्ली युक्त कोशिकाएं पाए जाते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकाएं भी पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्र पाया जाता है वह झिल्ली युक्त कोशिकाएं पाए जाते हैं। सभी प्रोटिस्ट कवकों पादपों वे जंतुओं में, यूकेरियोटिक कोशिका है वो सभी प्रोटिस्ट कवकों पादपों व जंतुओं में पाई जाती है। ये हो गई कोशिकाएं प्रकार। संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, इनमें स्पर्श केंद्र का अभाव होता है, झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, ये आर्किया जीवाणु व नील हरित शैवाल में पाई जाती है। यूकेरियोटिक कोशिका इसमें स्पर्श केंद्र पाया जाता है, झिल्ली युक्त कोशिकाएं पाए जाते हैं, वह सभी प्रोटिस्ट कवकों पादपों व जंतुओं में ये पाई जाती है। तो ये हो गए संरचना के आधार पर कोशिकाएं प्रकार। तो दोस्तों इसके आगे हम कल कोशिका के जो संरचना के आधार पर कोशिका के अंग है उनके बारे में पढ़ेंगे, कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे हम इससे आगे से आगे लगातार इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे। तो आपको ये अगर अच्छा लगा है तो आप कृपया लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सके। इसी के साथ कल मिलेंगे वापस, इससे आगे हम और पढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।